ओके सो जय हिंद दोस्तों और राम राम मेरा नाम है अनिधे और क्लास इलेवन सीबीएसई बोर्ड में जो पाइथन हमने कल स्टार्ट की थी अपनी पिछली वीडियो में उस वीडियो में हमने समझा था की पाइथन क्या होता है कैसे हम उसका यूज करते हैं और बहुत कुछ हमने पाइथन का बेसिक समझा था साथ में हमने ये भी जाना था कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको तो नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन के फंडामेंटल्स क्या होता है फंडामेंटल्स मतलब बेसिक होता है तो मतलब पाइथन के बेसिक चीज क्या क्या है जैसे कि टोकन क्या होता है ऑपरेटर्स क्या है की क्या है पंक्चुएशन क्या है करेक्टर सेट्स क्या है पाइथन का स्ट्रक्चर क्या है वो सब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ओके तो पाइथन फंडामेंटल्स क्या होता है वो हमें समझना है फंडामेंटल का मतलब होता है में बेसिक यानी कि पाइथन प्रोग्राम में जो बेसिक चीजें होती हैं वो कौन कौन सी होती है देखिए उनमें से एक होता है करेक्टर सेट क्या होता है वो अभी हम समझिए दूसरा होता है टोकन्स और टोकन के अंदर ही बहुत सारी चीजें आती हैं टोकन्स में कीवर्ड्स आते हैं आइडेंटिफायर जिन्हें आप नाम भी बोल सकते हैं लेटरल्स जो कि असलियत में कुछ वैल्यूज होती हैं वो भी आते हैं टोकन के अंदर और टोकन के अंदर ही ऑपरेटर्स आते हैं और पंक्चुएटर्स भी आते हैं साथ में हम ये भी जानेंगे कि बेरबोन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम क्या है बेरबोंस का मतलब स्ट्रक्चर क्या है पाइथन प्रोग्राम का और उस स्ट्रक्चर में एक्सप्रेशन क्या होती है स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कमेंट्स क्या होते हैं फंक्शंस क्या है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन क्या है ये भी हम समझेंगे अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो लेटरल में भी कई तरीके होते हैं तो लेटरल्स में स्ट्रिंग लिटरल क्या है नोमेरिकटरल क्या है बोलियन लिटरल क्या है स्पेशल लेटरल्स यानी कि नन क्या है या लिटरल कलेक्शन क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे साथ में ऑपरेटर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं यूनरी बाइनरी अर्थमेटिक बिट ये सभी भी हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे लेकिन एक बात याद रखना कि ऑपरेटर्स को हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ऑपरेटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो आगे जाकर अगले चैप्टर्स में आएगा तब हम उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आज सिर्फ हम नॉर्मल नॉर्मल बेसिक बातें करने वाले अगर आपको ये सभी डायग्राम या थ्योरी वगैरह अपने नोट्स में इंक्लूड कर दें तो आप वीडियो को पॉज कर वहीं पर स्क्रीन शॉट ले लेना देखिए सबसे पहली जो चीज है वो हमारी है करेक्टर सेट क्या होता है पाइथन के अंदर अ करेक्टर सेट इज अ वैलिड करेक्टर एक वैलिड करेक्टर होता है करेक्टर सेट के अंदर

स्पेशल सिंबल से मतलब यहाँ पर यह है कि है सिंबल स्पेशल सिंबल होता है सिंबल 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 स्पेशल स्पेशल है प्लस ये सभी व्हाइट स्पेस में आप जानते होंगे जहां भी आप ब्लैंक स्पेस खाली जगह छोड़ देते हैं वही आपकी व्हाइट स्पेस के लाती है इसके अलावा टैप्स टैप्स आप जानते होंगे अगर आपने एमएस वर्ड में काम किया होगा तो टैप्स का मतलब है थो थोड़ी सी स्पेस यानी तीन चार स्पेस के बराबर जगह दे देना हैं। इसके अलावा और भी आपके तरीके के होते फिलहाल उसको छोड़िए अदर है। होते हैं भाई? भाई से मतलब ये होता है भाई अगर आप कोई character को code में लिख रहे हैं या फिर आप इसे में लिख रहे हैं, ये सब भी अलग करेक्टर हो सकते हैं आप जानते होंगे okay, तो जो मेन टॉपिक है, है कि टोकन क्या होते हैं देखिए टोकन का मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट कोई भी एक अपने आप में जो यूनिट प्रोग्राम के अंदर होगी अपने आप में जो कोई भी चीज होगी प्रोग्राम के अंदर वो एक टोकन कहलाएगी और टोकन को लेक्सिकल यूनिट भी बोल देते हैं अभी नहीं समझ में है ना कोई दिक्कत नहीं है मान लीजिए अभी आपके पास ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है इस प्रोग्राम में ये नंबर जो है वो एक अलग अपने आप में चीज है ये जो इक्वल टू लिखा हुआ है ये अपने आप में एक अलग चीज है फाइव जो है वो अलग अपने आप में चीज है इसी प्रकार से नंबर टू एक अलग चीज है इक्वल टू अलग चीज है सिक्स अलग चीज है ये सेम रिजल्ट अलग है ये सब चीज अलग अलग है तो इन सभी अलग अलग चीजों को मिलाकर जो हमने बनाया उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं तो पाइथन के प्रोग्राम में कोई भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को आप टोकन बोल सकते हैं अब वो क्या क्या हो सकती है वो अभी हम समझेंगे देखिए एक टोकन जो वो एक की हो सकते हैं क्या होते हैं की अभी रुक जाइए थोड़ी देर बाद समझेंगे हम एक आइडेंटिफायर यानी कि कुछ नाम हो सकते हैं लिटरल्स यानी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं ऑपरेटर यानी कुछ प्लस माइनस वगैरह भी हो सकते हैं पंक्चुएटर्स यानी कि ऐसा कुछ कॉलन हो सकते हैं सेमी कॉलन हो सकते हैं ब्रैकेट हो सकते हैं ऐसा कुछ हो सकता है तो ये सभी चीजें टोकन्स कहलाती है और इन सभी टोकन्स को जोड़कर इन सभी टोकन्स को मिलाकर एक प्रोग्राम आपका पाइथन के अंदर बनता है बढ़ते आगे की तरफ सबसे पहले हमें जानना होगा कि की क्या होते हैं अ की इज अ बर्ड की बर्ड असलियत में एक बर्ड ही है इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है हैविंग स्पेशल मीनिंग और रिजर्व मीनिंग

और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को चलाकर देखता है कि कहीं इस लाइन में कोई गलती तो नहीं है दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन काम दोनों का सेम सेम सही होता है। इंग्लिश कुछ शब्द होते हैं, मतलब पहले से पता होता है और वो शब्द कैसे होते हैं? है। जैसे कि फॉल्स ब्रेक क्लास इफ फॉर इस है, है। मतलब की मतलब पता है पहले से अगर आपने कहीं लिख दिया इफ तो प्रोग्रामिंग समझ जाएगी कि इस इफ का मतलब आखिर क्या है क्योंकि उसको पहले से इसका मतलब पता है ये पहले से ही सेव है कंप्यूटर के अंदर क्लियर है आगे बढ़ते हैं अच्छा अगला जो टोकन बात है वो होता है उसी को हम आइडेंटिफायर बोल देते हैं तो या है? फिर हम एक, एक फंक्शन को नाम देते हैं फंक्शन क्या होता है वो अभी आप ध्यान में दीजिए लेकिन अगर आप फंक्शन को नाम देते हैं उसी को आइडेंटिफायर बोलते हैं या फिर आप किसी क्लास को नाम देते हैं उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं किसी मॉड्यूल को नाम देते हैं, हैं। देखो किसी को भी कोई नाम देने से पहले ना आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं पहला रूल क्या कहता है पाइथन की जो अभी हमने पढ़े थे पाइथन के जो की हैं उनको आप आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते है। दूसरा रूल कहता है कि इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस आइडेंटिफायर यानी कोई भी आप जब नाम बना रहे होंगे ना उस नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए तीसरा क्या रूल है इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू जेड स्मॉल ए टू जेड और अंडर स्कोर अंडर स्कोर एक स्पेशल सिंबल होता है जैसे कि माइनस होता है ना बीच में आता है माइनस लेकिन ये बीच से स्टार्ट ना होगा एकदम नीचे से स्टार्ट होता है इस प्रकार से इसी को अंडर स्कोर बोलते हैं तो आइडेंटिफायर जो कि एक नाम है वो आपका कैपिटल ए से जेड हो सकता है स्मॉल ए जेड आप उसमें यूज कर सकते हैं जीरो वन टू थ्री से लेकर नाइन तक आप यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपको स्पेशल सिंबल यूज करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं ये रूल आपको याद रहने चाहिए अगला क्या रूल है भाई इट्स और एन अंडर स्कोर देखिए आप एक नाम के अंदर एक आइडेंटिफायर के अंदर जीरो से लेकर नाइन तक नंबर यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में लेकिन स्टार्टिंग नहीं कर सकते है ठीक है स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट से या फिर अंडर स्कोर से होगी अगला रूल क्या कहता है It should not contain any, यहाँ पर टी गया गलती से। उस पूरे नाम के के अंदर कहीं भी अलावा कोई और सिंबल प्लस नहीं, नहीं आ सकता है माइनस नहीं आ सकता है एट द रेट नहीं आ सकता है नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ अंडर स्कोर आ सकता है क्लियर है ना अब कुछ नाम को हम देख लेते हैं जो कि बैलिट और इनवैलिड होंगे बैलिट का मतलब ऐसे नाम जिनको आप बना सकते हैं जो सही होंगे देखिए यहाँ पर देखिए बैर बन एक बेलिट आइडेंटिफायर है, क्यों है? क्यों देखिए पर स्टार्टिंग जो एक एक है है वो आपकी एक अल्फाबेट से हुई और रूल क्या कहता था अल्फाबेट से यानी कि ए बी सी डी वगैरह से या फिर अंडर स्कोर से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं तो ये एकदम सही है ये वाला क्यों सही है भाई क्योंकि अंडर स्कोर से स्टार्टिंग हो रही है और रूल क्या कह रहा था भाई कि अंडर स्कोर से या फिर अल्फाबेट से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं तो ये भी सही है अगला क्या है भाई यहाँ पर वन आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये वन से स्टार्टिंग नहीं हो रही है स्टार्टिंग आपके अंडर स्कोर से ही हो रही है तो ये भी सही है यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग आपके अल्फ़ाबेट से हो रही है एकदम सही बात है और अंडर स्कोर यूज़ किया हुआ है बीच में कोई दिक्कत नहीं है अंडर स्कोर आप यूज कर सकते हैं तो ये भी सही है लेकिन यहाँ पर कुछ इनमेड आइडेंटिफायर भी है कुछ ऐसे नाम जो कि आप नहीं लिख सकते जो गलत है क्यों गलत है यहाँ पर देखिए पहला हमने एक रूल पढ़ा था ना कि कोई भी सिंबल अंडर स्कोर के अलावा कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क है यानी कि गलत है इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अल्फाबेट से या फिर अंडर स्कोर से स्टार्टिंग होनी चाहिए यहाँ पर नंबर से स्टार्टिंग है तो ये भी गलत है यहाँ भी नंबर से स्टार्टिंग है ये भी गलत है यहाँ पर देखिए है सिंबल एक यूज हो रहा है और हमने क्या पढ़ा है अंडर स्कोर ही होना चाहिए इसके अलावा कोई और सिंबल नहीं तो ये भी गलत है यहाँ पर कोई गलती दिख नहीं रही होगी लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पर बैन और बन के बीच में वाइट स्पेस है तो रूल क्या कहता था कि वाइट स्पेस नहीं होने चाहिए तो ये भी गलत है तो बस नाम को ही हम आइडेंटिफायर बोलते हैं और कुछ रूल आपको याद रखने हैं सिंपल है बढ़ते आगे ओके सो नेक्स्ट टोकन जो है वो आपके हैं या फिर आप उसके वैल्यूज भी बोलते हैं और एक और नाम मैं आपको बता देता दू इसको आप कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं ठीक है कॉन्स्टेंट आपने मैथ वगैरह में पढ़े होंगे कॉन्स्टेंट वो वैल्यूज होती है जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है जिसका मतलब जो है जिसकी वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स रहती है उसी को कॉन्स्टेंट बोलते हैं तो सेम चीज लिटरल

जो बंद होते हैं और अगर कैरेक्टर के साथ लिखे हुए हैं बहुत सारे कैरेक्टर को मिलाकर लिखे हुए हैं तो उनको आप स्प्रिंग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है निर्भय तो निर्भय में एन आई आर बी एच ए बाई ये सात कैरेक्टर को मिलाकर हमने लिखा हुआ है और अगर हम इसको बंद कर दें डबल कोर्स या सिंगल कोर्स के अंदर तो इसको आप स्प्रिंग बोलेंगे

ये तीन क्टर है स्ट्रिंग आप बोल सकते हैं तो स्ट्रिंग के लिए आप इसे या तो सिंगल में इस प्रकार से बंद कर सकते हैं या फिर आप इसे डबल कोर्स में बंद कर सकते हैं या फिर आप इसे ट्रिपल कोर्स में भी बंद कर सकते हैं तीनों तरीके से कर सकते हैं एक और डेफिनेशन लिखी हुई है द टेक्स्ट एनक्लोज इन फॉर्म्स अ स्ट्रिंग कोर्ट इन पाइथन सेम चीज है टेक्स्ट जैसे कि लिखा हुआ निर्भय उसको अगर आप एक कोर्स में बंद कर दो तो उसको क्या बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं ओके okay, so यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं देखिए निर्भय जो है वो सिंगल कोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग है यहाँ डबल कोर्ट के अंदर है ये भी स्ट्रिंग है ट्रिपल के अंदर है तो ये भी स्ट्रिंग है इसी प्रकार से स्ट्रिंग के अंदर याद रखिएगा आइडेंटिफायर के अंदर आप ब्लैंक स्पेस यानी कि व्हाइट स्पेस यूज नहीं कर सकते थे लेकिन स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ कर सकते हैं तो माई नेम इज निर्भय जो ये लिखा हुआ है इसके बीच में अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो व्हाइट स्पेस भी है लेकिन ये सारे करेक्टर है एक व्हाइट स्पेस को भी यहाँ पर एक करेक्टर माना जाएगा तो यहाँ पर तीन व्हाइट स्पेस है कि तीन कैरेक्टर है सीधी सी बात यह तो इनको भी अगर आप डबल कोर्ट से सिंगल कोर्स में बंद कर देंगे तो ये भी आपका स्प्रिंग कहलाएगा इसी प्रकार से प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ये भी आपका स्प्रिंग ही कहलाएगा अच्छा स्प्रिंग के बारे में एक अलग से पूरा चैप्टर है तो स्प्रिंग इतना सिंपल सा नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है लेकिन अभी बेसिक समझ रहे हैं ना अच्छा स्प्रिंग में ये चीज और आती है नॉन ग्राफिक कैरेक्टर नॉन ग्राफिक जिसको आप डिस्प्ले ना कर सकते हो लिखा हुआ है आ दो करेक्टर ऐसे करेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप डायरेक्टली फ्रॉम अ की बोर्ड जिसको आप की बोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल बैक स्पेस बैक स्पेस अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे भाई टैप्स को अगर आपको दिखाना है कैसे दिखाएंगे तो इन सब चीजों को करने के लिए एक सिंबल हमें यूज करना पड़ता है डिस्प्ले करने के लिए जिसे आप बोलते हैं बैकस्लैस जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं अच्छा दो स्लैस होते हैं एक होता है फॉरवर्ड स्लेस ये वाला फॉरवर्ड स्नेस होता है और ये वाला आपका बैक स्लेस होता है तो अगर आपको कोई भी ऐसा करेक्टर जो कि आपके कीबोर्ड में नहीं होता है और आपको दिखाना है आसानी से तो उसके लिए आप बैक का यूज करेंगे अच्छा स्ट्रिंग्स को आप सिंगल लाइन में और मल्टीपल लाइन दोनों तरीके से लिख सकते हैं लेकिन लिखने का कुछ रूल होता है वो आपको याद रखना है देखिए सिंगल लाइन को आप मान लीजिए आप सिंगल कोर्स में लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक, एक स्ट्रिंग निर्भय तो ये सिंगल लाइन में आ जाएगा इसी प्रकार से अगर आप डबल कोर्स में लिख रहे हैं निर्भय तो ये भी सिंगल लाइन में आ जाएगा अच्छा मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं हेलो और नेक्स्ट लाइन में मैं लिखना चाहता हूँ निर्भय और डबल कोर्ट्स को बंद कर देता हूं हालांकि ये भी स्ट्रिंग है लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि मैंने ये एक लाइन में नहीं लिखा है इस वाली स्ट्रिंग को आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बोल सकते हैं लेकिन क्या ये चल जाएगा ये नहीं चलेगा ये एक एरर दे देगा तो इस एरर से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में आप लिखें तो आपको क्या करना पड़ेगा जब आपकी लाइन एंड हो रही हो तो आपको एक बैक स्लैश लिख देना है लाइन के एंड में बैक स्लैश लगा दीजिए आपका जो स्ट्रिंग है वो मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बन जाएगा ऑटोमेटिक क्लियर है ना तो अगर आपको मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बनानी है तो आप बैक स्लैश लगा दीजिए अच्छा इसके अलावा एक और तरीका है मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को लिखने का वो क्या है आपका ट्रिपल कोर्स अगर आप ट्रिपल कोर्स में लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल है क्योंकि ये स्प्रिंग आपका ट्रिपल कोर्ट के अंदर है तो यहां पर आप आपको बैक्सलेस लगाने की जरूरत नहीं है याद रखेगा अगर आपको सिंगल या डबल कोर्ट्स के बीच में मल्टीपल लाइन लिखना है इस में तो आपको एंड में मेंस लगाना पड़ेगा अगर आप ट्रिपल कोर्स तो आपको बैक्सलेस की कोई जरूरत नहीं है अच्छा एक स्प्रिंग का एक साइज भी हो सकता है साइज से सा मतलब क्या है एक स्ट्रिंग थी मान लीजिए मेरा नाम ही था निर्भय तो इसका भी एक साइज होगा साइज क्या होगा सही पकड़ा आपने साइज इसका सेवन होगा क्यों होगा सेवन इसमें साठ कैरेक्टर है एक स्ट्रिंग है उसमें लिखा हुआ है ए बी सी तो इसमें कितना साइज होगा इसका तीन साइज होगा अच्छा साइज पता करने के लिए एक और चीज होती है वो है आपकी एनई एन लें फंक्शन क्या करता है अगर आप इसे ब्रैकेट के बीच में कोई भी स्ट्रिंग लिख देंगे मान लीजिए आप यहाँ लिखते हैं ए बी सी तो आपको ये जो फंक्शन है वो थ्री रिटर्न करके दे, दे देगा इसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे जाके टेंशन वाली बात नहीं है बैक बैक्सलेंस का यूज हो रहा है स्ट्रिंग में मान लीजिए एक बैक्सलेंस ये है और लिखा हुआ ए बी सी

एक इंटीजर कॉन्स्ट्रेट में कम से कम एक डिजिट तो होनी चाहिए एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट और याद रखना है इंटीजर अगर नंबर है आपका तो उसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल फाइव फोर एट या हंड्रेड ये सभी इंटीजर है लेकिन अगर आप लिख देते हैं फाइव पॉइंट टू थ्री ये इंटीजर नहीं माना जाएगा क्योंकि तो इसके अंदर डेमल पॉइंट आ रहा है तो बिना डेसिमल पॉइंट के होना चाहिए इट मे कंटेन्स आइदर प्लस और माइनस साइन इसके अलावा आप नंबर के आगे प्लस या फिर माइनस सिंबल लगा सकते हैं ठीक है लेकिन इंटीजर भी तीन तरीके के होते हैं एक होता है डेसिमल इंटीजर एक होता है ऑक्टल इंटीजर एक होता है हेक्सा डेसिमल इंटीजर अच्छा डेसिमल इंटीजर क्या है देखिए वही अगर प्लस से या माइनस से कोई नंबर चालू हो रहा है यानी कि माइनस फाइव फोर थ्री टू ऐसा कुछ नंबर है डेसिमल इंटीजर बोलेंगे उस नंबर को लेकिन याद रखना वो जीरो से स्टार्ट ना हो रहा हो अच्छा ऑक्टल नंबर आपने पढ़े होंगे है ना देखिए डेसिमल नंबर के अंदर जीरो से नाइन तक डिजिट होते हैं

इसी प्रकार से एक्सा डेसिमल क्या है वो आप समझिए अगर मैंने लिखा जीरो और फिर मैंने कैपिटल या फिर एक्स लिख दिया और उसके बाद मैंने कोई कैरेक्टर लिख दिया या कोई नंबर लिख दिया, लिख दिया सेवन। तो ये क्या माना माना जाएगा क्लियर है ऑक्टल में जीरो स्टार्टिंग होनी है एक्स से स्टार्टिंग होगी फ्लोटिंग क्या होता है अ रियल कॉन्स्टेंट इन फ्रैक्शनल फॉर्म मस्ट आफ्टर लेकिन रखना है इसके अलावा आप लिख सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन ये भी आपका फ्लोटिंग आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट सेवन इसका मतलब भी जीरो पॉइंट सेवन ही माना जाएगा ये भी एकदम सही है आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेवन पॉइंट इसका मतलब क्या माना जाएगा सेवन पॉइंट जीरो रखना है कि point, कि पॉइंट पॉइंट डेसिमल आना बहुत जरूरी है है ठीक तो ये जो पॉइंट से पहले लिखा हुआ ये है, आपका है और चीज इसके अंदर आती है एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर दो चीजें आती है एक होता है मैं आपने मैथ में पढ़ा होगा एक होता है फॉर्म एक्सपोनेंट देखिए कोई भी नंबर है मान लीजिए आपका नंबर है फाइव पॉइंट फोर इस प्रकार से और फिर लिखा हुआ ई जीरो सिक्स इसका मतलब क्या है फाइव पॉइंट फोर जो है वो मैं पार्ट माना जाएगा ई e के बाद जो लिखा हुआ जीरो सिक्स वो आपका एक्सपोनेंट पार्ट माना जाएगा एक्सपोनेंट पार्ट से क्या मतलब है टेन की पावर सिक्स तो अगर आप वैल्यू को लिख रहे हैं टेन की पावर में तो आप एक्सपोनेंट में उसको लिख सकते हैं ये सब मैथ का पोर्शन है आपने पढ़ा होगा लेकिन आप एक्सपोनेंट फॉर्म में भी फ्लोटिंग पॉइंट लिटर को लिख सकते हैं अच्छा फिर से वापस से मैथ की तरफ आ जाते हैं

तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप मैथ में पढ़ेंगे अगर आपको कंप्यूटर में लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं बस आपको ए प्लस बी टी के फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा अच्छा जो अगला लेटरल्स या अगला जो कॉन्स्टेंट हमारे पास है वो है आपका बोलियन लेटरल्स बोलियन लेटरल्स क्या होता है बोलियन का मतलब होता है दो बोलियन या बाइनरी का मतलब दो होता है जिसके अंदर दो ही चीजें हों यहाँ पर भी दो ही चीजें या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है तो अगर वैल्यू आपकी है, तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी उसी को आप क्या बोलेंगे बोलेंगे इसका क्या यूज है वो प्रैक्टिकली जब हम प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे तब हम इसको समझेंगे लेकिन बोलियन और फॉल्स दो ही चीजें होती है इसी प्रकार से एक और लेटर है जिसका नाम है नन नन एक स्पेशल लेटरल है नन लेटर रिप्रेजेंट एबसेंट ऑफ अ वैल्यू जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है अभी आपके पास वैल्यू नहीं है या फिर आपको वैल्यू पता नहीं है क्या होने वाली है तो आप थोड़ी देर के लिए नन का यूज कर सकते हैं नन क्या करेगा नन ये बताएगा यूजर अभी हमारे पास एक्सन वैल्यू नहीं है यहां लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स एंड स्पेशल नन आर सम इन ऑफ पाइथन अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई पाइथन के बिल्ड इन कॉन्स्टेंट यान कौन कौन से हैं तो आप बता देंगे भाई ट्रू फॉल्स और नन ये तीन लिटर यहाँ लिखा भी हुआ है द नन वैल्यू इन पाइथन मीज नन की वैल्यू का मतलब क्या होता है पाइथन के अंदर देयर इज नो यूजफुल इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है

जैसे कि प्लस है माइनस है स्टार है हैस है डबल लेस है ये सब क्या है ये सब आपके ऑपरेटर्स है और लेस देन है ग्रेटर देन है ग्रेटर देन देन इक्वल इक्वल टू टू है टू है टू है लेस ये सब क्या ऑपरेटर्स है? है. सिंपल सी बात है अच्छा ऑपरेंट क्या होता है वो आप समझिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ऑपरेटर और ऑपरेंट ये दो शब्द है दोनों में क्या अंतर है फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए प्लस बी तो यहाँ पर ए और बी जो है वो ऑपरेंट कहलाएंगे और ये जो प्लस जो कि एक सिंबल है इसको आप ऑपरेटर बोलेंगे अच्छा ऑपरेटर बहुत तरीके के होते हैं एक होता है यूनरी ऑपरेटर फिर बाइनरी अर्थमेटिक लॉजिकल आइडेंटिकल या रिलेशनल असाइनमेंट मेंबरशिप बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं और इन सभी को हम प्रोग्राम में जरूरत पड़ने पर यूज भी करते हैं यूनरी का मतलब होता है कोई एक चीज बाइनरी का मतलब होता है कोई दो चीज यानी यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जैसे कि प्लस है माइनस है आपका इस प्रकार से टिल से है जैसे आप बिटबाइस बोलते हैं या फिर आपका नॉट ऑपरेटर है ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको यूज करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंट की जरूरत पड़ती है फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक ऑपरेंट ए है या एक ऑपरेंट फाइव है फाएग को भी आप बोल सकते हैं। उसके साथ आप प्लस लगा सकते हैं है ना प्लस फाइव हो सकता है या प्लस ए हो सकता है माइनस फाइव हो सकता है तो ऐसे ऑपरेटर जिनमें केवल एक ही ऑपरेंट यूज होता है उनको आप यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं तो बाइनरी ऑपरेटर क्या है ऐसे ऑपरेटर जिनमें

टिक का मतलब जिसमें प्लस होता है माइनस होता है डिवाइड होता है एक और डिवाइड होता है ये वाला या मल्टीप्लाई होता है ये सभी या फिर मॉडुलस होता है ये सभी ऑपरेटर क्या कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर अच्छा फिर आता है बिट ऑपरेटर बिट का मतलब जो बाइनरी पे काम करते हैं तो इसमें आता है आपका बिट एंड ऑपरेटर इसके अलावा आता है बिट बाइज एक्सो और ऑपरेटर इसके अलावा बिट और ऑपरेटर तो ये कुछ ऑपरेटर होते हैं स्विफ्ट ऑपरेटर भी आपके पास होता है जिसे आप डबल ग्रेटर देन ये डबल लेस देन से डिनोट करते हैं क्या यूज होता है वो हम आगे जाके समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं भाई जैसे कि एंड ऑपरेटर 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 और नोट ये सभी लॉजिकल होते हैं अच्छा आइडेंटिटी ऑपरेटर में एज और इज नॉट ये दो चीज आती है इनको आप आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं क्या होता है ये बाद में समझने वाली बात है रिलेशनल ऑपरेटर आप समझते होंगे लेस लेस देन 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 ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल टू टू ये सब क्या है आपके रिलेशनल ऑपरेटर या फिर इक्वल टू या डबल इक्वल टू ये सब क्या है रिलेशनल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है जब आप वैल्यू बाइन करते हैं जिसमें आप असाइन के लिए सिंगल इक्वल टू का सिंबल का यूज करते हैं अच्छा अगर आप सिंगल इक्वल लगाते हैं तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है अगर आप डबल इक्वल लगाते हैं तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है क्लियर ना दोनों में अंतर है लेकिन क्या है वो हम आगे जाकर समझेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर में इन नॉट इन ये दो चीज और आती है इनको भी समझने के लिए हमें आगे तक इंतजार करना पड़ेगा ओके okay, क्या होते हैं सबने इंग्लिश में पढ़ा हुआ टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम स्ट्रक्चर जब आप प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स को बिल्डअप करने के लिए जिन पक्चुएशन जिन सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं आप पंक्एटर्स बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉलन या ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट या ये कर्ली ब्रैकेट ये सब क्या है पंक्चुएशन कहलाते हैं या एक्सप्लेन मार्क क्लियर तो ऐसे सिंबल्स को जो हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं उनको हम पंक्चुएटर बोलते हैं सिंपल है ना बढ़ते आगे अगला टॉपिक जो होगा आपका बोन्स बैरबॉन्स बोन्स यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पाइथन को प्रोग्राम को लिखने का ठीक है तो एक स्ट्रक्चर होता है एक प्रोग्राम को लिखने का जिसमें बहुत सारी कमेंट्स आते हैं लेकिन जब जहां जहां पर ये हैस स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पर है यहाँ पर देखिए हैस है यहाँ पर हैस है यहाँ पर, है, पर, है, पर, है, पर हैस है ये जो भी से स्टार्ट हो रहा है उसका आप कमेंट्स बोलते हो ठीक है इसी प्रकार से यहां पर जो डेफ से स्टार्ट हो रहा है इसको आप फंक्शन बोलेंगे इसके अलावा यहां पर ये आपका एक्सप्रेशन है यहां पर ये एक्सप्रेशन है ये आपका स्टेटमेंट है ये सभी तीनों चीज क्या है आपकी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट इसी प्रकार से ये और ये आप होती है क्या हो थी? वो अभी हम समझेंगे और यहां से यहां तक तो ये जो कुछ लिखा हुआ है इसे आप ब्लॉग बोलेंगे एक प्रोग्राम में ये सभी चीजें होती है कमेंट होते हैं फंक्शन होते हैं स्टेटमेंट्स होते हैं एक्सप्रेशन होती है कंडीशन होती हैं एक्सप्रेशन क्या होता है देखिए जहां पर कोई नंबर कोई वैल्यू आपको मिलने वाली हो फॉर एग्जाम्पल ए प्लस फाइव अगर आप करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आपको रिटर्न मिलेगी फाइव प्लस फाइव आप करेंगे या आप लिखेंगे सिक्स मल्टीप्लाई फोर प्लस फोर प्लस थ्री माइनस टू ये आपके एक्सप्रेशन कहलाएगी स्टेटमेंट क्या जिसके अंदर आपको वैल्यू मिलती हो लेकिन उसमें प्रिंट वगैरह भी आता है प्रिंट लिखा हो या कुछ नाम वगैरह कुछ बेसिकली लाइन को आप स्टेटमेंट बोलते हैं कमेंट क्या है कमेंट आपकी स्टार्टिंग से होती है ठीक है जब आपको कोई चीज इग्नोर करानी हो कंपाइलर से जो आपका इस में प्रोग्रामिंग ना हो कुछ और आप एक्स्ट्रा डिटेल देने चाह रही हूं तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं लेकिन उसको इग्नोर कराने के लिए आपको सिंबल से उस लाइन स्टार्ट करना होता है फंक्शन क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे ब्लॉक और इंडेंटेशन क्या है पीछे समझते हैं एक बार दोबारा से इफ यहां से लेके यहां तक आपका इफ माना जाएगा ये आपका ब्लॉक कहलाएगा इंडेंटेशन क्या है यहाँ पर आपको कॉलन दिख रहा होगा इस कॉलन के बाद यहां से लाइन स्टार्ट हुई है ना कि यहां से हुई है इसी तो इस आप, तो आप, आप, तो आप कर दीजिएगा इतना ये कहने वाली बात नहीं होती है लेकिन अगली वीडियो में हम क्या समझने वाले पाइथन में अगली वीडियो में हम समझेंगे बैरेबल क्या होता है और कॉन्स्टेंट क्या है किस प्रकार से आप एक बैरेबल को असाइन कर सकते हैं वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे तो उसको देखने के लिए मिक्स वक्त कर लीजिए आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो मिलता है वीडियो में वीडियो देखने के लिए शुक्रिया धन्यवाद और राम राम